आज की जो वीडियो रहेगी वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर रहेगी। तो जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो पश्चिम विहार ज्वाला एडी मार्केट पे आ रहा है। न्यू कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर रिटेल स्पेसेस भी आ रही हैं, मल्टीप्लेक्स भी आएगा और ऑफिस स्पेसेस भी आएंगे। जो इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग है वो 50 लाख रुपए से आपकी हो जाती है। सत श्री अकाल जी सारियां नू, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल स्टेट चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो रहेगी वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर रहेगी। अपकमिंग प्रोजेक्ट है दिल्ली के अंदर जो अभी इनिशियल स्टेज पे है, स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आज चीज़ पे बात करेंगे कि क्यों इसी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो जो अगर रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी, वो किस वजह से मिलेगी, क्या क्या रीजंस रहेंगे जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। तो जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो पश्चिम विहार ज्वाला एडी मार्केट पे आ रहा है। न्यू कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर रिटेल स्पेसेस भी आ रही हैं और मल्टीप्लेक्स भी आएगा और ऑफिस स्पेसेस भी आएंगे। तो अगर बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो सभी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। रिटेल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फूड कोर्ट में भी कर सकते हैं और ऑफिस स्पेसेस के अंदर भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी, अभी इसकी भी डिटेल वीडियो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ और शेयर करूंगा, जिसमें आपको इसके डेवलपर और पूरा कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि किस तरह से ये बन के तैयार होगा। बट ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए आपके लिए बना रहा हूँ कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे एंट्री करते हैं तो एक रिटर्न्स काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो आज को आपको बताऊँगा। तो जो लोकेशन है वो है पश्चिम विहार ज्वाला एडी मार्केट। तो यहाँ पर जो है अभी अगर इनिशियल स्टेज पर देखा जाए तो जो ऑफिस स्पेसिस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर ऑफिस स्पेसिस के ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा वो ये बिल्डिंग में रहेगा कि भाई इस बिल्डिंग के अंदर हमारे को ऑफिस स्पेसेस की काफी अच्छी इन्वेंटरी देखने को मिलेगी। बात करें तो 5th या 6th फ्लोर से लेकर 14th फ्लोर तक सभी जो फ्लोर्स हैं उसमें ऑफिस स्पेसेस मिलेंगे। और अगर हम बात करें तो जो अभी पुराने ऑफिस स्पेसेस पश्चिम विहार में है या नियर अबाउट कोई ऑफिस स्पेसेस की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, या तो NSP में है या फिर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में है, उसके बीच में कोई भी ऑफिस स्पेसेस के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे नए ऑफिस स्पेसेस आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो ऑफिस स्पेसेस जो नए बनेंगे इसके अंदर जो डेडिकेटेड पार्किंग बनेगी, पार्किंग जो बनेगी वो मॉल और ऑफिस स्पेसेस के नीचे ग्राउंड फ्लोर्स पे बनेगी। तो अगर हम अदर से कंपैरिजन करें तो जो पश्चिम विहार में ऑफिस स्पेसेस अवेलेबल हैं उसके अंदर जो है आपको ओपन पार्किंग करनी पड़ती है। और अगर हम बात करें ऑफिस स्पेसेस की, ऑफिस स्पेसेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहती है। अगर हम रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे को प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी रहती है, बट फ्लैट्स और फ्लोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं, वो रेजिडेंशियल रहने के हिसाब से सही रहते हैं। बट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि वो आपको एक रेंटल इनकम भी देती है मंथली के हिसाब से। अगर हम रेंटल इनकम में जाते हैं तो हमारे को कमर्शियल प्रॉपर्टी में ही जाना चाहिए। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो रहती है उसमें अगर हम देखें तो रिटेल जो स्पेसेस होते हैं उसमें काफी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जो कि हम कहीं भी किसी भी लोकेशन पर रहते हैं तो हमारे आसपास भी हम देखें तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शन प्रॉपर्टी के होते हैं वो रेजिडेंशियल के होते हैं। उसके बाद हमारे को रिटेल स्पेसेस मिल जाते हैं जिसमें कुछ ऑथराइज होते हैं, कुछ अनऑथराइज भी होते हैं, जैसे किसी ने ऑन रोड जिसकी प्रॉपर्टी है उसने वहां पर रिटेल स्पेसेस खोल लिए। बट अगर हम देखें तो ऑफिस स्पेसेस के ऑप्शंस हमारे को हमारे आसपास भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। कुछ एक डिस्टेंस के बाद जाके या कुछ ऐसी लोकेशंस हैं दिल्ली में जहां पे हमारे को कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अंदर अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में कनाट प्लेस है, NSP है, नेताजी सुभाष प्लेस है और डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, कुछ ओखला में कुछ कमर्शियल यूनिट्स हैं, यही ऑप्शंस हैं मेनली जहां पे हमारे को कमर्शियल स्पेसेस देखने को मिलती हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें कमर्शियल ऑफिस स्पेस के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेंट्री दिल्ली के अंदर बहुत कम है, बहुत लिमिटेड जगहों पर ऑफिस स्पेसेस अवेलेबल हैं, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस अवेलेबल हैं। तो अगर कोई नई यूनिट्स बन रही हैं तो उसके अंदर हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमारे को अच्छे रिटर्न जो है देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला रीजन तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट का यही रहेगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ऑफिस स्पेसेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि जहां इन्वेंट्री कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें डिमांड की तो जितनी इन्वेंट्री दिल्ली में ऑफिस स्पेसेस की अवेलेबल है उससे ज्यादा उसकी डिमांड है, तभी गुड़गांव और नोएडा सक्सेसफुल हुए, क्योंकि गुड़गांव और नोएडा में इन्वेंट्री ज्यादा थी और लोग उधर की तरफ मूव होने शुरू हुए ऑफिस स्पेसेस के लिए। बट अब दिल्ली के अंदर भी कुछ जगहों पर जो नई
यूनिट्स आ रही है, जिस तरह से मैंने आपको बताया पश्चिम विहार ज्वालाडी में नई यूनिट्स बनने जा रही हैं, तो इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे रिटर्न्स आपको ऑफिस स्पेसेस में देखने को मिलेंगे। दूसरा, अगर बात करूं कि ऑफिस स्पेसेस की इन्वेस्टमेंट अच्छी क्यों रहेगी, वो इसलिए रहेगी कि इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दी जिसके अंदर मैंने आपको नेताजी सुभाष प्लेस के ऑफिस स्पेसेस के ऑप्शन दिखाए थे, बट वो जो ऑफिस स्पेसेस है वो विद इन 1 वीक और 10 दिन के अंदर ही सोल्ड आउट हो गए। इतनी चीजें सेल हुए, उसका रीजन क्या रहा कि उसको खरीदने वाले जो थे वो रियल स्टेट में जो वर्क करते हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो रियल स्टेट में डील्स करते हैं, उन्होंने ही खरीद लिया, क्योंकि उनको वो मार्केट में रहते हैं, उनको पता है कि भाई ऑफिस स्पेसेस जो है वो लिमिटेड इन्वेंट्री है, इसमें हमारे को रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, तो अगर हम बुकिंग करा लेते हैं तो हमारे को अच्छी आने वाले टाइम में अप्रिसिएशन मिलेगी, और इस चीज को वो जानते थे, इसलिए जो ऑफिस स्पेसेस NSP के प्रोजेक्ट में बिके, नेताजी सुभाष प्लेस के प्रोजेक्ट में बिके, वो सबसे ज्यादा जो खरीदे गए वो ब्रोकर्स के थ्रू ही खरीदे गए, उन्होंने ही खरीद के रख लिए। जब तक एक एंड यूजर को ये चीज समझ आती तब तक वहां इन्वेंट्री ही खत्म हो गई थी। तो इसी तरह से हम पश्चिम विहार में अगर बात करें तो अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसमें अभी आप बुकिंग कर सकते हैं और अच्छी रिटर्न्स ले सकते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग है वो 50 लाख रुपए से आपकी हो जाती है, जिसके अंदर अभी आपको पेमेंट भी जो है वो 40% के आसपास देनी है, मतलब 15 से 20 लाख रुपए के आसपास आपको पेमेंट देनी है और बाकी आपको पोजिशन पे देनी है। तो पेमेंट करने के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा, और अगर आप 20 लाख रुपए देके 50 लाख की यूनिट बुक करते हैं और जब तक आपकी पोजिशन आती है 3 साल में जब ये प्रोजेक्ट बनके तैयार होगा, अगर वो चीज 60 लाख रुपए की हो गई तो आपके 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको 10 लाख का रिटर्न नहीं मिला, आपको सिर्फ 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको 10 लाख रुपए का रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि आपने चील जो होल्ड कर रखी है वो 50 लाख वाली 20 लाख रुपए देकर होल्ड कर रखी है। तो ये एक बेनिफिट रहेगा अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हो रही है तो आपको पेमेंट प्लान भी फ्लेक्सिबल मिल जाएगा और नए रेट्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग रेट्स मिल जाएंगे, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसके अंदर रेट भी बढ़ेंगे। हमने आपके साथ ओमेक्स चांदनी चौक की वीडियो शेयर करी थी, तो शुरू में वहां पे रेट्स कम थे, जैसे जैसे वहां पे कंस्ट्रक्शन बढ़ती गई वहां पे रेट भी बढ़ते गए और पेमेंट प्लान भी चेंज होते गए। पहले 40-60 का पेमेंट प्लान होता था, फिर 60-40 का हुआ, अब 100% का हुआ और अब इन्वेंट्री ही सोल्ड आउट हो गई है। तो इसी तरह से अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग पे एंट्री करते हैं तो आपको काफी अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। तो पहली बात तो रही कि हमें स्टार्टिंग स्टेज में ही किसी कमर्शियल या इनिशियल प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करनी चाहिए, और जो प्रोजेक्ट है ये दिल्ली का है, पश्चिम बिहार का है, तो दिल्ली की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन देकर जाती है, और इसमें हमारे पास ऑफिस स्पेसेस और रिटेल स्पेसेस के ऑप्शन अवेलेबल है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है सबसे अच्छी रहती है, और इसमें ऑफिस स्पेसेस में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बढ़िया रिटर्न्स हमारे को देखने को मिलेंगे। अब और बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और जो बेनिफिट रहेगा वो ये रहेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीप्लेक्स आ रहा है। मल्टीप्लेक्स की जो मेन अट्रैक्शन रहेगी इस मॉल के अंदर और इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि पश्चिम विहार में आसपास किसी भी एरिया में मल्टीप्लेक्स अवेलेबल नहीं है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के लिए या तो आपको विकासपुरी जाना पड़ता है, या फिर आपको सुभाष नगर जाना पड़ता है, या फिर आपको मोती नगर जाना पड़ता है, लेकिन पश्चिम विहार में किसी भी तरह का कोई मल्टीप्लेक्स अवेलेबल नहीं है। तो इस मॉल के अंदर 3rd और 4th फ्लोर पे मल्टीप्लेक्स आएगा, नीचे वाले फ्लोर्स पे रिटेल स्पेसेस आएंगी, फूड कोर्ट आएंगी, और 5th से लेकर 14th फ्लोर तक इसमें ऑफिस स्पेसेस रहेंगे। तो इसका एक ये भी अट्रैक्शन रहेगा कि इसके अंदर जो आपको मल्टीप्लेक्स आएगा वो भी जो वॉक-इन्स है उसको अट्रैक्ट करेगा, काफी लोग यहां पे विजिट करा करेंगे। तो इस वजह से भी आपको जो रिटेल स्पेसेस अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटेल स्पेसेस में आपको अच्छी फुटफॉल देखने को मिलेगी और ऑफिस स्पेसेस में भी आपको यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का कंसर्न ये है कि एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मेरे को यही क्वेरीज आती है कि दिल्ली के अंदर कोई नया कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये नया कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटेल स्पेस में भी ऑप्शन अवेलेबल है, फूड कोर्ट में भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप मल्टीप्लेक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऑफिस स्पेसेस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी वो ऑफिस स्पेसेस की रहेगी। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिए, ना तो ऑफिस स्पेसेस की ज्यादा इन्वेंट्री दिल्ली के अंदर है, जो भी प्रोजेक्ट नया आता है उसको अधिकतर जो है ब्रोकर्स और जो रियल स्टेट में डील कर रहे होते हैं वही बाय कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या एप्रिसिएशन फ्यूचर में देखने को मिलेगी, और नए प्रोजेक्ट के अंदर आपको पेमेंट भी जो है फ्लेक्सिबल मिल जाता है। तो ये काफी सारे बेनिफिट्स रहेंगे अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो प्रोजेक्ट आ रहा है वो ज्वालाडी पश्चिम विहार पे आ रहा है, आइए एक बार ज्वालाडी मार्केट को भी देखते हैं वो किस तरह से बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, इस टाइम मैं जो खड़ा हूं कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़ा हूं, जो ज्वालाडी में प्रोजेक्ट आ रहा है आप पीछे देख सकते हैं, साइट रहेगी, कंस्ट्रक्शन का काम जो है यहां पे स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम अपोजिट में बात करें तो इधर की तरफ जो है ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिसमें कि जो ऑफिस स्पेसेस हैं बट ओल्ड इन्वेंट्री है। और इधर की तरफ भी देखें तो इधर भी जो शॉप्स बनी हुई है, नीचे शॉप्स हैं और ऊपर जो है ऑफिस स्पेसेस अवेलेबल हैं। तो बट ये जो प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है इसके अंदर जो आपको यूनिट्स मिलेंगी वो नई यूनिट्स मिलेंगी और नई कंस्ट्रक्शन स्टेटस मिलेगा। तो ये रहेगी हमारी साइट। तो फ्रेंड, इस टाइम मैं जो खड़ा हुआ हूँ ज्वालाडी मार्केट के सामने खड़ा हुआ हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं
रिटेल शॉप्स हैं, बट आज जो है वेडनेसडे है इसलिए रिटेल शॉप्स जो है वो बंद है, इसलिए यहाँ पे वॉकिंग्स भी कम हैं। आप पीछे देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे रिटेल शॉप्स बनी हुई हैं और ऊपर कुछ ऑप्शन हमारे को ऑफिस स्पेसेस के मिल जाते हैं। बट अगर हम इस साइड देखें रोड की तरफ तो पार्किंग की जो ऑप्शंस मिलते हैं वो हमारे को ओपन पार्किंग मिलती है, ये आप देख सकते हैं ओपन पार्किंग मिलती है और मेन रोड पे ही हमारे को गाड़ी साइड में खड़ी करनी पड़ती है। तो जो न्यू इन्वेंट्री आएगी उसके अंदर आपको जो पार्किंग मिलेगी वो एक कवर्ड पार्किंग मिलेगी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में देखने को मिलेगी। तो जो न्यू इन्वेंट्री आएगी उसके अंदर आपको ऑफिस स्पेसेस भी मिल जाएंगे, रिटेल शॉप्स भी मिल जाएंगे और उसके अंदर मल्टीप्लेक्स भी आएगा जो कि इस एरिया में किसी भी लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखी ज्वाला आईडी की मार्केट, आज वेडनेसडे होने की वजह से ये क्लोज है, लेकिन आपने देखा किस तरह से अनऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे शॉप्स बनी हुई है, पार्किंग भी जो है वो ओपन है, बट जो सामने अगर अपोजिट में देखें जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी कितने पुराने हो चुके हैं जिसमें अभी बेसिक एम्यूनिटीज भी अवेलेबल नहीं है। जिस प्रोजेक्ट की मैं आज बात कर रहा हूँ वो नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है तो उसके अंदर आपको बेसिक के साथ साथ मॉडर्न एम्यूनिटीज भी देखने को मिलेंगी, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में आपको पार्किंग देखने को मिलेगी और एक सेक्शन आपको रिटेल का देखने को मिलेगा, एक सेक्शन आपको फूड कोर्ट का देखने का मिलेगा, एक फ्लोर पे आपको मल्टीप्लेक्स देखने को मिलेगा, बाकी फ्लोर्स पे आपको ऑफिस स्पेसेस मिलेंगे। तो काफी अच्छी रिटर्न्स आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट में मिल सकती हैं। और अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी जो है प्रोजेक्ट में सॉफ्ट लोन चल रहा है तो काफी अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, जिस तरह से हमने आपको अदर प्रोजेक्ट के अंदर बेस्ट डील प्रोवाइड कराई उसी तरह से आपको हम इसके अंदर भी बेस्ट डील प्रोवाइड करा के देंगे। और आप किसी से भी बाइंग करें, किसी से भी लें, बट एक बार हमारे रेट्स को जरूर चेक करें। हम जो आपको डील देते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से दिलवाते हैं और जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करके देते हैं ताकि आपको एक अच्छे रिटर्न्स आपकी प्रॉपर्टी में देखने को मिले। तो इसके अगेंस्ट में हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट्स में हमारे को बताइए कि किस तरह की आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। मेरे को कई कमेंट्स आ रहे थे जिसके अंदर सब यही पूछ रहे थे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, ओमेक्स चांदनी चौक में हमने लेट एंट्री करी, बट हमारे को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जिसके अंदर हम स्टार्टिंग एंट्री कर सकें। तो ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल अभी स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं, अच्छे रेट्स आपको मिल जाएंगे। किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।